नैतिकता के सारे पैमाने को कुचलते हुए अरविंद केजरीवाल पहले ही देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके हुए हैं। और आज तो आम आदमी पार्टी ने नैतिकता की गिरावट का एक और रिकॉर्ड बना दिया। देश के इतिहास में आज पहली बार दो सिटिंग सीएम की तिहाड़ जेल में मुलाकात कराई गई। यह ऐसी मुलाकात थी जो शायद आज तक देश की किसी जेल में नहीं हुई होगी कि दो सिटिंग सीएम जेल में मिल रहे हैं, जहां आरोपी की तरह बंद एक सिटिंग सीएम को मिलने के लिए दूसरे सिटिंग सीएम कॉमन विजिटर की तरह पहुंचे हों। यानी आज अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति में वो किस्सा भी गढ़ दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। शायद यही राजनीति वो बदलने आए थे, जिससे एक सिटिंग सीएम जेल में दूसरे सिटिंग सीएम से मिल सके। आज तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मुलाकात। इस मुलाकात में क्या हुआ ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन जरा पहले देख लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी का क्या हुआ। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बता दिया था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दौड़े दौड़े ये लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को तुरंत राहत तो मिली नहीं। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल वाले हफ्ते में होगी। यानी केजरीवाल और उनके वकील भरे दौड़े दौड़े गए कि सर हमारा मामला बहुत अर्जेंट है, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी कि हाँ हाँ केजरीवाल जी का मामला लाइए दिखाइए, सबको पीछे है तुम हटो केजरीवाल जी। ये कोर्ट में नहीं हुआ बॉस। आप दिमाग में आप मुख्यमंत्री मानते हैं आपको, लेकिन कोर्ट के सामने आप एक आम आदमी है जो कि आपको होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कुछ दलीलें भी उन्होंने रखी, लेकिन इन दलीलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि वो कुछ ऐसे फैक्ट्स रखना चाहते हैं जिससे कोर्ट की आत्मा हिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बहुत हैरान करने वाला मामला बताते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव के वक्त केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस केस में कुछ चुनिंदा लीक्स का भी जिक्र किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें नहीं पता आप किस लीक्स की बात कर रहे हैं, अभी के लिए हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से इसी शुक्रवार को अगली सुनवाई की मांग कर दी कि सर फ्राइडे को सुन लीजिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो सुनवाई की रीजनेबल डेट देंगे और ऐसी तारीख देंगे जो जल्द होगी, लेकिन आप जो मांग रहे हैं वो तारीख नहीं होगी क्योंकि यह संभव नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल के बचाव में कई और दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें अगली तारीख के लिए बचा के रखिए ना, तब ना सुनेंगे। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ये चाहते थे कि 19 अप्रैल जिस दिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है उसी दिन केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो जाए। हालांकि ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में राहत के लिए चुनाव कोई ग्राउंड हो ही नहीं सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी को कहा गया कि जब हमने नोटिस जारी कर दिया है तो उसके बाद आपको आगे दलील नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम फैक्ट्स जानते हैं, हमने सारी चीजें देखी हैं, हमने इस पर बहुत ज्यादा वक्त बिताया है और इसीलिए अब ईडी का जवाब आने दीजिए, फिर चर्चा होगी। यानी मोटे तौर पर कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल चुनाव को देखते हुए जो राहत सुप्रीम कोर्ट से चाह रहे थे नहीं मिली बॉस। दूसरी तरफ आज अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लग गया। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक की, इसलिए आज उन्हें दिल्ली की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि जांच अभी अहम स्टेज पर है, इसलिए न्यायिक हिरासत को 14 दिन और बढ़ाया जाए। हालांकि कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 8 दिन और बढ़ा दी। इधर अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, उधर लोकसभा चुनाव सिर पर आकर खड़ा हो गया है। दिल्ली में सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। इस वजह से अरविंद केजरीवाल परेशान है और कोर्ट में बार बार लोकसभा चुनाव की दलील दे रहे हैं। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है, अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल को तब तक राहत मिलती भी है या उनका पूरा चुनाव ही जेल में निकल जाता है। कानूनी मोर्चे पर तो अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, लेकिन तिहाड़ जेल में उन्हें पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिलकर थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ में मिलने के लिए आज पंजाब के सीएम का काफिला तिहाड़ जेल पहुंचा। भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक भी थे। पंजाब के सीएम और अरविंद केजरीवाल के बीच तिहाड़ जेल में आधे घंटे तक मुलाकात चली। मुलाकात के बाद भगवंत मान बाहर आए तो उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। एक बार भगवंत मान जी को सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि तिहाड़ से केजरीवाल का कौन सा नया संदेश बाहर आया है।
आधे घंटे की मुलाकात थी 12 से 12:30 बजे, और जैसे ही मैं बैठा वहाँ पे मुलाकात की जो कुर्सी थी, तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। इससे पहले चिदंबरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1-to-1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कर। तिहाड़ जेल में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की ये वही मुलाकात है जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में यातनाएं दी जा रही, उन्हें किसी से मिलने ही नहीं दिया जा, और अब मिलने दिया गया तो अलग कमरे में क्यों नहीं मिलवाए, इसको लेकर शिकायत है। जबकि हमने आपको बताया था कि तिहाड़ जेल में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात जरूर होगी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा इंतजाम करने होंगे और उसी वजह से पहले मुलाकात नहीं हो पाई। आज तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात एक ऐसे रूम में हुई जिसमें बीच में शीशा लगा हुआ था। एक साइड अरविंद केजरीवाल थे, दूसरी तरफ भगवंत मान और संदीप पाठक थे। दोनों तरफ फोन लगे हुए थे, जैसे फिल्म में नहीं दिखाते फोन पे उठा के बात करते, उससे बातचीत हो पाई। लेकिन इस मुलाकात पर भी आम आदमी पार्टी ने फिर से तिहाड़ प्रशासन और बीजेपी को आरोपों में लपेट दिया। भगवंत मान ने यह आरोप लगाया कि उन्हें अरविंद केजरीवाल फेस टू फेस उनसे नहीं मिलने दिया। भगवंत मान ने इसके लिए तिहाड़ जेल के मैनुअल के रूल नंबर 602 का हवाला दिया और बताया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन अच्छे कैदियों को फेस टू फेस भी मिलने दे सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को फेस टू फेस नहीं मिलने दिया गया। भगवंत मान ने कहा कि जब पी चिदम्बरम जेल में बनते तो सोनिया गांधी को भी पी चिदम्बरम से 1-to-1 मिलने दिया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में ऐसा नहीं किया गया। हालांकि एक इंटरव्यू में दिल्ली के डायरेक्टर जनरल प्रिजंस संजय बेनीवाल ने कहा कि कैदियों को हार्डकोर क्रिमिनल और नॉर्मल क्रिमिनल में नहीं बांटा जाता। उन्होंने बताया कि जेल मैनुअल जो दिल्ली सरकार का ही बनाया हुआ है उसमें कैदियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। डीजी प्रिजंस ने साफ कहा कि हर कैदी के कुछ बेसिक अधिकार होते हैं, वो हर कैदी को वो अधिकार मिले ये देखना उनकी ड्यूटी। यही बात बीजेपी भी कह रही है कि साल 2018 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ही तो तिहाड़ जेल रूल्स में बदलाव किए थे और नियम के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को अपने वकील से फेस टू फेस मिलने दिया जा रहा है, जबकि विजिटर्स से फेस टू फेस मिलने की सुविधा ही नहीं है। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बीच क्या बात हुई, अब वो भी सुनिए। भगवंत मान और संदीप पाठक ने बाहर आकर जो बताया उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को देखते हुए भगवंत मान भावुक हो गए। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। जब भगवंत मान और संदीप पाठक ने अरविंद केजरीवाल से उनका हाल पूछा, उनकी तबीयत पूछी, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी चिंता मत करो, वो संघर्ष के लिए तैयार है। यह बताओ कि जनता कैसी है, यह बताओ कि जनता क्या कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं से पूछा कि दिल्ली में फ्री बिजली तो मिल रही है ना, पावर कट तो नहीं हो गया, स्कूल तो सही से चल रहे हैं ना, पढ़ाई तो सही तरीके से हो रही है ना। अरविंद केजरीवाल ने पूछा, ये बताए हैं आम आदमी पार्टी वाले कि ये अरविंद जी पूछे कि हमको छोड़ो, तुम बताओ स्कूल चल रहा है ना, बिजली आ रही है ना, ये एलजी ने बिजली तो नहीं काट दी, सब गर्मी में तो नहीं रह रहे हैं, पसीना से तर बतर तो नहीं हो गए, ऐसा लग रहा है उनको शायद जेल में। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक तो चल रहे हैं ना, दवाइयां मिल रही हैं ना। भगवंत मान और संदीप पाठक का दावा है कि मुलाकात के दौरान जब जब उन्होंने केजरीवाल का हाल पूछा तब तब वो यही कह रहे थे कि मेरी चिंता छोड़ दो, देख रहे हैं। हालांकि यही सब पूछना था कि मोहल्ला क्लिनिक कैसा चल रहा है, बिजली आ रही कि नहीं, फ्री बिजली तो बंद हो गई नहीं हो गई, तो वो तो शीशे के इधर से भी पूछ लिए, क्या ही है उसमें। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने आज ये भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बताया कि अगले हफ्ते से वो दो मंत्रियों को तिहाड़ जेल बुलाएंगे और दिल्ली के सारे कामों का रिव्यू करेंगे। हालांकि जब आम आदमी पार्टी के सांसद से पूछा गया कि दिल्ली के मंत्री कैसे जेल में अरविंद केजरीवाल से मिल लेंगे, क्या इसके लिए कानूनी मंजूरी ली है, तो इस पर संदीप पाठक ने कहा कि जो लीगल प्रक्रिया है उसको देखते हैं आगे कैसे होगा। मतलब अभी लीगल प्रक्रिया देखे नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी है कि मैं अगले हफ्ते से दो मंत्रियों से मिलूंगा। इधर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उधर उनके एक और करीबी के जेल आने की आशंका बढ़ गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड के भर्ती घोटालों में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत की अर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमानतुल्लाह खान को 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का भी ऑर्डर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी आदेश दिया कि अगर उन्हें केस में कुछ सबूत मिलते हैं तो वो अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर सकती है। ईडी अमानतुल्लाह को पूछताछ के लिए कई समन ऑलरेडी भेज चुकी है, लेकिन अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के वकील से पूछा कि बार बार समन भेजे गए लेकिन आप पेश क्यों नहीं होते जी, ये गलत बात है, हम इसे कैसे माफ कर सकते हैं। यानी जो केजरीवाल जी ने किया था कि बार बार समन आया लेकिन वो नहीं गए, वही अमानतुल्लाह खान ने किया है। और अब सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सामने पेश होने का भी आदेश दे दिया, अग्रिम जमानत भी नहीं दी और यह भी कह दिया कि अगर सबूत दिखे तो अरेस्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है अगला नंबर इन्हीं का हो।